वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं खेतों से। हम खेतों में आए हैं सुबह सुबह चरी को लेने के लिए, क्योंकि घर में हरा चारा ख़त्म हो गया है और अब यहाँ से हम लोग चरी काट के लेकर जाएंगे और घर में क्या कहते हैं कि इसको थोड़ा सा बालेंगे मशीन से और फिर छोटा छोटा काट के इसको गायों को खिलाएंगे। आप मौसम देख सकते हैं कितना अमेजिंग हो रखा है इस टाइम पर गाँव में, बहुत ही सुंदर मौसम है। और सुबह सुबह यही एक फ़ायदा है, यही एक बेस्ट प्लस पॉइंट है गाँव में आने का कि आप जैसे ही घर से निकलते हैं या गाँव की तरफ जाते हैं, खेतों की तरफ जाते हैं, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है और आपका मन नहीं करता वापस घर जाने का। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको देख के गुनगुन को भी शौक चढ़ गया इस टाइम पे, क्या कहते हैं कि चारा काटने का। देखिए कोशिश कर रही है चारा काटने की और काट पाती है, नहीं काट पाती है। काट लिया गुनगुन? रुक जाओ, कितना रुके हम, कब तक काटोगे बताओ? काट लिया, अब इसको रखते हैं। अभी चारे को काटने के बाद हम इसको इस थैले में भर रहे हैं और इसी थैले में से भर के हम इसको घर की तरफ ले जाएंगे, फिर वहाँ पे इसको बालेंगे। चारा तो हम लोगों ने काट लिया है और अब हम लोग घर की तरफ चलेंगे, लेकिन एक समस्या है जो हम लोगों को हमेशा फेस करनी पड़ती है, वो ये है कि ये जो मेड़ है जो घर की तरफ जाती है, ये बहुत ज़्यादा पतली है और जगह जगह पर टूटी है और इतना चारा ले जाते हुए हमेशा हम एक ना दो, एक या दो बार गिरते पड़ते रहते हैं। हम वहाँ से खेतों से इसको पतली पतली मेड़ से लेके इसको रोड पे लेके आए थे और अब इसको लेके घर पे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया है तो अंश को मैंने भेजा है घर जाने के लिए कि घर जाके वो साइकिल लेके आए और साइकिल से इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसे कंधे पे टांग के घर तक लेके आने पे हम लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। ऊपर देख सकते हैं बादल आ रहे हैं और इसका मुझको लगता है कि आज पक्का बारिश होगी, तो मज़ा आएगा बारिश में आज। और अभी भी हम लोग अंश का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत देर हो गई है और अंश अभी तक आया नहीं है और हम लोग धीरे 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 बोर हो रहे हैं, पता नहीं क्या करने लग गया घर पर। फाइनली अंश आ गया है साइकिल लेके और अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, साइकिल पर इसको ला देंगे और सीधे सीधे हम लोग घर की तरफ चल देंगे। काम हो गया है और हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। गुनगुन काफ़ी थक गई है और मैं पीछे बैठ गई कंधे पे और कह रही है मुझे घर तक कंधे पे बैठा के लेके चलो, तो करना पड़ेगा, चल रहे हैं। अंश काफ़ी आगे निकल चुका है साइकिल पे और घर पहुंचने वाला होगा और हम लोग अब धीरे धीरे घर की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप खेत देख रहे हैं इसमें कल हमने पानी डाला था और पानी इसलिए डाला था क्योंकि अब धान की फसल का टाइम हो रहा है, तो इसमें अब हम लोग बिहन लगाएंगे ताकि उससे धान की रोपाई की जा सके खेतों में। ये अंश मिल गया हमको यहाँ पे, अंश हमारा वेट कर रहा था अभी भी घर जाने के लिए। चलो अंश, आ चुके हैं हम और अभी यहाँ पे हमने इसको पटक दिया है और अभी इसी मशीन से हम इसको छोटा छोटा काट के सामने अपनी गायों को खिलाएंगे। हम देख रहे हैं आसमान में बहुत ही मस्त बादल छाए हुए हैं और आज पक्का आशंका है कि आज बारिश होगी। और बापू जी यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं, ये भी बेहन लगाने का टाइम है इस टाइम पे और खेतों को तैयार कर रहे हैं बेहन लगाने के लिए। बापू जी क्या लगता है आपको, आज बारिश होगी? नहीं होगी? शर्त लग गई, ठीक है। दो दो समोसे की, दो दो समोसे की, साथ में ठंडा भी रहेगा। ठीक है, ठंडा भी रहेगा साथ में। अभी हमने शर्त लगाई है दो दो समोसे की और एक ठंडा की कि बारिश हो गया नहीं होगी, अगर बारिश हुई तो मैं जीतूंगा, वो मुझको खिलाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं खिलाऊंगा उनको ठंडा और समोसा। तो सारा चारा हमने ऑलमोस्ट बाल लिया है और ये सफिशेंट रहेगा दो तीन दिनों के लिए गाय को खिलाने के लिए। तो अब चलते हैं, अब दिन चढ़ रहा है धीरे धीरे और बादल जो थे वो हट गए, तो अब हम लोग नहाएंगे धोएंगे थोड़ा सा और बाकी का काम करेंगे। थोड़ी देर के लिए धूप मिली थी लेकिन मौसम फिर से वैसा हो गया और बादल छा गए आप देख सकते हैं, और होपफुली आज बारिश होगी और हम लोग दो समोसे और ठंडा शर्त में जीतेंगे। तो धूप ऐसी निकली हुई है कि बारिश होने का कोई सीन ही नहीं है आज और बादल सारे के सारे गायब हो गए, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग हार गए शर्त। और अब चलते हैं दुकान की तरफ, समोसे लेके आएंगे बाबूजी के लिए और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं बैन करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तक ले बाय।